अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राजीव जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। एक तरीका हुआ बात करने का, मेड है तो का हुआ, है तो घर की ही। हाथ में रो तुम समझी, और खबरदार जो और एक शब्द बोला तो, ये जो कुछ भी हुआ ना तुम्हारी वजह से हुआ, तुम जिम्मेदार हो इसकी, समझी? कैमरा सब देख रहा है। देख रहा है? कैमरा सब देख रहा है तो देखने दो, और जानने दो सारी दुनिया को कि सच क्या है। ये सब हमारा परिवार है हंसनी, और अगर हमारे परिवार पे आ जाए ना, किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी की भी नहीं, और तुमको भी ना, ये हमारी आखिरी वार्निंग है। फिर से अगर ऐसी बदसलूकी की ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये जो बार बार राजनीतिक भविष्य की धमकियां देती है ना तुम हमको, तो एक बात कान खोल के सुन लो, तू के लिए ना हम हमारे राजनीतिक भविष्य को भी दांव पे लगा सकते हैं। वो की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। दादा, अरे दादा, वो आप फाइल ढूंढ रहे थे ना इलाके में भ्रष्टाचार का खुलासा जिसमें हुआ, चलिए मैं आपको वो फाइल देता हूँ। संजीव कहाँ हो? संजीव, संजीव, हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हुई तुम्हारी? कुछ पता चला नर्स के बारे में? हाँ दादा, उनका फोन आया था, नर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ओ दैट्स रियली नाइस, क्या इन्फॉर्मेशन है? हाँ, वो कह रहे थे कि सब कुछ घर आके बताएंगे शाम को डिटेल में। आई होप उस नर्स के बारे में कुछ पता चला इंस्पेक्टर को। हम तो कू की तरह हमको भी चिंता हो रही कि आखिर वो नर्स उससे क्या बात करना चाहती थी। संजीव तुम एक काम करो, तुम अपने उस इंस्पेक्टर के साथ संपर्क में रहो, और जैसे ही वो कोई डिटेल से कोई इन्फॉर्मेशन देता ना, आके हमको बताओ। तो हमको भी जानना है कि वो जो औरत थी वो उस नर्स को लेके हॉस्पिटल से कहाँ चली, जिसका चेहरा सीसीटीवी कैमरा में देख नहीं पाया। यू का रूप बदलने के मामले में तो कोई जोड़ ही नहीं, क्या चाल क्या ढाल, बेमिसाल। यू अपने काम में इतनी परफेक्ट है, तभी तो पुलिस वाले ने यू को सीसीटीवी में देखकर पहचाना नहीं। ये पुलिस वाले भी ना सिर्फ वर्दी और नाम, लेकिन खुशबू के आगे सब नाकाम। अब तो बस आई जल्दी से इस नर्स को ठिकाने लगा दे, उसके बाद कहीं जाके फाइनली राहत की सांस ले पाएगी। कमान खुशबू, लेट्स गो। ये लॉक लॉक कैसे खुला है? लॉक, ओह माय गॉश, ये खुद तो नहीं चली गई पुलिस के पास? कहाँ चली गई ये नर्स? अंशु, अंशु को फोन करना होगा। अंशु का फोन क्यों बंद आ रहा है? आई की मदद करनी होगी। अगर ये नर्स राजीव और कुहू के पास पहुंच गई, हाँ, और वहां जाकर इसने कनक की सच्चाई बता दी, तो कनक कनक का राज खुल जाएगा। और हाँ, और वो लोग पुलिस के पास चले गए तो आई को जेल हो जाएगी, तो आई को जेल हो जाएगी, पुलिस ले जाएगी आई को। नो नो नो, क्या ये अभिष, क्या कर क्या रहे हो तुम? क्या वादा किया था हमने बस्ती वालों को कि पानी के सप्लाई के साथ साथ हम उनको गैस की सप्लाई भी देंगे, देंगे कि नहीं? और वो तभी मुमकिन है जब इस फाइल पे, इस पेपर्स पर दस्तखत होंगे, और जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें दस्तखत तो है नहीं। क्या कर क्या रहे हो जी? वो हम, अरे क्या हम अवधेश, और हमने तो सुना है कि जो अधिकारी इसमें साइन करने वाला है वो 10 दिन की छुट्टी पे आज से। इसका मतलब ये कि ये काम 10 दिन और डीले हो गया। जरा भी अंदाजा है कि गांव वालों के ऊपर क्या बीतेगी। हमको जाना है रैली पे, हजारों लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम बताओ क्या करें हम, दस्तखत करवाने के लिए सचिवालय जाए या फिर रैली के लिए जाए? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। आज हो जाए, हम करा लेंगे। ई काम अब हम करेंगे। तुम? हाँ हाँ,
काहे कि आप बार बार बाबू का भरोसा तोड़े हैं। और आप पे भरोसा करना संभव नहीं है कि नहीं? करे आप पे भरोसा? अरे लाओ हमको दो, तुमको क्या पता कागजी बातों के बारे में? राजीव जी, हम कहते हैं आपको, आप जाइए रैली में, इस पे साइन हम करवा देंगे। वैसे भी सचिवालय में सब लोग हमारा नाम जानते हैं। लाओ। ये छोटा मोटा काम करने के लिए आप कहे जाएंगे? आप ही चंदेल परिवार की बहू हैं, आपके ऊपर पूरा घर का जिम्मेदारी है। अब घर संभालिए, ही कलर किराने वाला काम हम कर लेंगे। अब वैसे भी कल से ना बुआ जी का घुटना में बहुत दर्द हो रहा है, अब घर की बहू होने के नाते कुछ कीजिए। कुछ तो करो, घुटने का दर्द जा ही नहीं रहा है, बहुत दर्द है। हंसिनी, हंसिनी के हाथ में जादू है, अरे पैर छूती तक नहीं और दर्द बिल्कुल गायब। और जब कभी भी हमारे घुटने में दर्द होता था ना हंसिनी, हमारी प्यारी बिटिया जो हमारे पैर दबाती थी, पैर छूते ही दर्द गायब। हमने कब पैर दबाया इनका? और हाँ बहू, जब प्रभा जी का पैर दबा लो तो हमारे पास आ जाना, जरा कमरे में कुछ साफ सफाई करनी है और वो वकालत की किताबें मैनेज करनी है। वकालत? और भाभी मुझे भी आपकी हेल्प चाहिए उसके बाद। वो अपने गार्डन के लिए ना मुझे कुछ पौधे आपसे सेलेक्ट करवाने हैं, आपकी फूल पत्तियों की नॉलेज तो बहुत कमाल की है। फूल पत्ता? तुमको तो एक काम करो, तुम ये सब संभालो हंसनी, कुहू तुम हमारे साथ चलो, हम रास्ते में तुमको सच्चे वाले ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद हम रैली के लिए निकल जाएंगे। तुम घर वालों का ध्यान रखो। चलो। सही रहेगा। चलिए। चलो। सारी चाल समझ रहे हैं, हम यहाँ घर में काम करें और राजीव जी और कुहू साथ बाहर निकल जाएं, गुलछर्रे उड़ाएं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुहू तुम कमाल हो, धमाल हो, बेमिसाल हो। अरे किस तरह से अंजनी को अंदर बंद कर दिया और खुद आ गए हमारे साथ बाहर। थम जाए। अरे बाहर कैमरा थोड़ी है। अरे मानते हैं कि कैमरा नहीं है लेकिन लोगों का आंख भी है कि नहीं। अब हम हर वक्त तुमसे दूर नहीं रह सकते। अरे तुमको नजदीक लाने के लिए हमारा दिल कितना बेचैन रहता है पता तुमको? बस कुछ दिन और, एक बड़े चुनाव जीत जाए तब तक हम दोनों को ये दूरी सहना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए आप और हम कितना कुछ सहे हैं, आगे फिर से लोगों का सेवा करने का मौका पाने के लिए। हमको पता है बाब, ये आपका सपना है और जनता और समाज के लिए आप माने राजीव नारायण चंदेल का ही चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, समझे? भी देख लेना तू, एक बार जब हम ये चुनाव जीत जाएंगे ना सारी दुनिया के सामने ये ऐलान कर देंगे कि देवी और सजनों ये है कुहू, कुहू राजीव चंदेल, हमारी पत्नी, हमारी अर्धांगिनी। का हुलिया मनी, आपके बाल को का हो गया है? और ये आपने इतने बड़े गॉगल्स क्यों पहने? वो बाहर धूप है, सन हॉट, आईज वेलुएबल, ग्लास सूटेबल, गॉगल्स सूटेबल। किस जो परेशानी है? आई परेशान? नो ओह, आई से जोर जोर से सांस ले रही है इसलिए।
वो तो है, अभी जॉगिंग करके आई ना, इसकी वजह से फिट रहने के लिए जॉगिंग करना बहुत जरूरी है। एंड वैसे भी आई को मुजफ्फरपुर के लोग माधुरी दीक्षित मानते हैं। इनकी हरकतें कुछ अजीब नहीं लग रही थी? अजीब भी था और शायद कोनो तो बात है जो बताना नहीं चाहती, कोनो टेंशन वाला बात। नर्स को जहां रखा था वहां से भाग गई है, हंसू को बताना होगा। थोड़ा आराम से करो और थोड़ा जोर लगा के ऐसे कैसे कर रही हो? हमको ऐसे ही आता है, नया स्टाइल है। जोर तो लगाओ ना, ये क्या कर रही है? आज सूरज के पश्चिम से निकला है, ये हंसू बेबी इसके पैर में तेल क्यों लगा रही? हमको तो अपनी हंसनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बड़े पुण्य का काम कर रही हो बेटी, शाबाश। ए बुढ़ी, कैमरा सामने है वरना बताते, जिसने आज तक अपने पैर नहीं दबाए उससे तुम अपने गंदे पांव दबवा रही हो। खैर कैमरा है वरना गला दबा देते तुम्हारा। अरे खुशबू जी, आपका भी कुछ पैर वैर में दर्द हो तो आप हंसिनी से मैसेज वो मालिश करा लीजिए, बहुत ही अच्छा करती है। शाबाश। आईने यू को मैसेज भेजा है, वो सामान पाया था ना यू ने, उसका हिसाब है मैसेज में, एक बार चेक कर लो। कौन सा मैसेज? हमारा फोन स्विच ऑफ है, कोई मैसेज नहीं आया, जाओ। हे भगवान, अब इसको कैसे बताऊं कि नर्स निकल गई, जाने कौन ले गया। सुन तो लो हंसू बेबी। देखिए तो उसे नैना मिलाइके के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।